तो दोस्तों, जैसा कि मेरा गूगल एडसेंस का पिन आ गया है, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ, एड्रेस लिखा हुआ, कुछ इस तरह से आपको गूगल एडसेंस का पिन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो आपको एक लिफाफा की तरह लगेगा। और पैकिंग थोड़ा सा इस तरह से किया गया, आप चारों पट्टी से इसको फाड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अंदर गूगल का पिन मिल जाएगा, मतलब गूगल एडसेंस का पिन मिल जाएगा आपको। तो अभी आपको हम दिखा देते हैं गूगल एडसेंस का पिन। तो ये देखिए, इसमें गूगल का पिन आप लोगों को मिल जाएगा। और इसको वेरीफाई कैसे करते हैं वो वीडियो में हम अभी बताएंगे, बस वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये गूगल एडसेंस का पिन है, तो इसको हम चारों तरफ से इसको फाड़ दिए हैं। अब इसको हम पिन मेरे को इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, गूगल एडसेंस है जो अपना एडसेंस का अकाउंट खोलेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए, आप भी अपना गूगल एडसेंस खोल लीजिए और वेरीफाई कर लीजिए अगर आपका भी पिन आ गया है तो। तो सबसे पहले हम गूगल एडसेंस अकाउंट खोलेंगे, तो ऊपर आप लोग को योर पेमेंट इज होल्ड और एक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो एक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको वेरीफिकेशन के लिए पिन मांगा जाएगा। तो हम सीधे 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, नीचे आप लोग को पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो पेमेंट पर भी क्लिक करेंगे। फिर आप लोग को वेरीफिकेशन चेक पर क्लिक करना है। इसी वेरीफिकेशन चेक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने दिखाई देगा, जो आपको वेरीफाई वो रिजेंटी मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को 6 अंक का अभी पिन डाल देना, जो आपके गूगल एडसेंस से आया वो यहाँ पर पिन डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट करना है, तब तो आपका एडसेंस है जो एड्रेस है वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया है, एंटी वेरीफिकेशन भी हो गया और एड्रेस वेरीफिकेशन भी हो गया है। तो आप टेंशन लेने की बात नहीं, आपका वेरीफिकेशन हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आपका एडसेंस का पिन नहीं आया है तो दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, आपका पिन भी आएगा। दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ता, आपके एडसेंस पे $10-15 हो जाएगा, तो एडसेंस वहाँ से आपको पिन भेजता है। ये ना कि आपका $1 हो गया, आप एडसेंस का पिन के लिए इंतजार करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आपका $10-15 होना ज़रूरी है।